गोरखपुर जिले में सोमवार को 522 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 284 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 110, गोरखनाथ में 70, कोतवाली में 25, तिवारीपुर में 17, रामगढ़ताल में 9, राजघाट में 1 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 52, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 228 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगावा में 120, खोराबार में 38, उरवा में 4, भटहट में 3, पाली में 1, खजनी में 5, गोला में 4, पिपराइज में 5, सहजनवा में 4, बड़हलगंज में 2, कैंपियरगंज में 3, पिपरौली में 2, सरदार नगर में 9, बासगांव में 3, जंगल कौड़िया में 9, गगहा में 9, कौड़ीराम में 5 और बेलघाट में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 24,396 हो गई है। इनमें 374 की मौत हो चुकी है, 21,540 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 2,482 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे और लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।